मेरे प्यार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रैक्टिस सेट में आपका हार्दिक स्वागत। अब तक हमने 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं रागा पार्ट की हमारी 29वीं प्रैक्टिस सेट। 29वीं प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ हमारे जितने भी पिछले वीडियो है वो सभी वीडियो को जरूर देखें। इससे क्या होगा, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ खेत की जुताई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ खेत की जुताई करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी किया है, एक बार फिर इस प्रकार का प्रश्न आ गया। यार दोस्तों, हमने इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार किया था, हमने MDH/W वाला फॉर्मूला लगा कि इसके बराबर हमने किया था MDH/W। ये हमारे पहला वाला हो गया, ये हमारा हो गया दूसरे नंबर वाला। तो प्यार दोस्तों, जहाँ पे MDH लिखा है वहाँ पे उनके मान लिख दीजिए। पहले क्या दोस्तों, 6 आदमी 24 दिन में 36 एकड़ खेत की जुताई कर रहे हैं। हमारे पास H का मान है तो हम H का मान नहीं लिखेंगे, तो हमें बताना है 12 व्यक्ति 18 दिन में, तो मान लिया X एकड़ खेत की जुताई करेंगे। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए दोस्तों। कैसे हल करेंगे, 6 का भाग 36 में कितनी बार गया दोस्तों, 6 बार गया दोस्तों। और क्या करेंगे, 6 का भाग 24 में हमारा कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार गया। अब प्यार दोस्तों, 4 का भाग 12 में किया हमारा 3 बार। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास पीछे क्या बच गया, एक्स इधर भाग में, इसको ऊपर भेज दी तो गुणा में आ जाएगा। एक्स बराबर यहाँ पर कितना बच गया हमारा, 18 × 3 यानी कि 54। तो भी 12 आदमी 18 दिन में 54 एकड़ खेत की जुताई करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, लिखा है, एक घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो समय हमारा 6:30 है, तो सही समय क्या है। प्यार दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछे घड़ी का, तो हमें क्या करना है, 11:60 में से इसको घटा लेना, यानी कि 11:60, कुल मिलाकर हो गया 12 मिनट। इसमें से हमें घटा लेना जो समय हमें दर्पण में दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, 6:30। तो दोस्तों देखिए, शेष कितना बच रहा है हमारा, 0 का 0 हो गया, 6 में से 3 गया, पीछे बच गया हमारा 3, और 11 में से 6 गया, 11 में से 6 जाने पर हमारे पास बच गया 5। इस प्रकार हमारे पास समय आ गया 5:30। ऐसा किस विकल्प में दे रखा है, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों, लिखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, इसके द्वारा 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया हमें समय बताना। तो प्यार दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पास टाइम पूछा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी किलोमीटर में दे रखा है, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो हमें चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो हम लगा दें फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग संख्या लिख दें, 150/40, ये हमारे पास आ गया टाइम। अब इसको हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। तो प्यारे दोस्तों, 15 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, हम जानते हैं कि 3 बार जाएगा। पीछे हमारा कितना बच गया दोस्तों, 15 - 12 यानी 3 बच गया, 4। अब प्यार दोस्तों, हमें इस रूप में नहीं दे रखा है, तो हमें 3/4 को मिनट में चेंज करना होगा। मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा कर लेते दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, 4 का भाग 60 में कितनी बार गया, 15 बार गया। 15 को हम 3 से गुणा कर ले तो हमारे पास आ गया 3 घंटे और 45 मिनट। कौन सा विकल्प है, विकल्प 20% का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न, हमें बताना है कि विषम संख्या युग्म छांटी, यहाँ पर मिस्टेक होगी प्रश्न लिखने में। तो प्यार दोस्तों, हमें करना क्या है, सब में देखना भी कौन सा विषम आ रहा है। तो देखिए, 3 विकल्प हमारे समान होंगे, तो कौन से 3 विकल्प समान है उसको देखिए। अगर हम इसकी बात करें, देखने पर पता चल रहा है 78 में 13 का भाग जा रहा है और 169 में भी 13 का भाग जा रहा है, 91 में 13 का भाग जाता है, 104 में भी 13 का भाग जाता है। हम चेक कर लेते भाई, 299 में 4 का भाग जा रहा है क्या। तो देखिए दोस्तों, पहले गया 2 बार 26 हो गया, फिर यहाँ पे बच गया 3, 3 × 39 = 39 में भाग जा रहा है 3 बार, यानी कि इसमें दोनों संख्या में 13 का भाग जा रहा है। इसी प्रकार 429 में भी 13 का भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, विकल्प हमारा ए, विकल्प ए में क्या आ रहा है, 12 और 2 560 आ रहा है,
तो इसमें क्या होगा, 13 का भाग नहीं जा रहा, तो हमारी विषम संख्या कौन सी होगी, विकल्प ए हो गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि रहीम और हरीश कर्मशः काम को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं, तो एक साथ काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, हमें चारों विकल्पों में से बताना दोस्तों। तो दोस्तों हम इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार करते हैं, रहीम हो गया, ये हमारा हो गया हरीश, ये 15 दिन में करता है, ये हमारा करता दोस्तों 10 दिन में करता है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 15 का भाग 30 में कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया, और 10 का भाग 30 में कितनी बार गया दोस्तों, 3 बार गया। इस प्रकार हमारे पास दोनों का एक दिन का कार्य आ गया, कुल मिला के दोनों एक दिन में 5 कार्य करते हैं दोस्तों। हमें बता रहे कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, कुल कार्य हमारे 30 है, एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो कार्य हमारा समाप्त होगा 30/5 यानी कि 6 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, विकल्प डी प्रश्न का आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे क्या लिखा हुआ है कि डियर का कोड देर का लीक का कोड देगा, इसी भाषा में हमें बताना है लीडर का कोड क्या होगा। यार दोस्तों हम कई बार तो क्या करते हैं प्रश्नों में उनके नंबर बताते हैं कि भाई कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, लेकिन इस प्रश्न में खास बात देखिए यहाँ पर लिखा लेटर, लेटर के जितने भी लेटर हैं वो लीक और डियर में आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो, ये हमारे पास कोड दे रखे, पहला कोड हो गया एल का, दूसरा कोड हो गया ई का, तीसरा कोड हमारा एम का हो गया, चौथा कोड हमारा के का हो गया। इसी प्रकार हमें बताना है यहाँ पर लीडर का कोड। तो प्यारे दोस्तों लीडर हमारा एक नंबर पर आ रहा है, एल का कोड हमारा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे एक्स हो गया, उसके बाद दोस्तों आ रहा है हमारा ई, ई हमारा आ रहा है डियर में, तो ई का कोड क्या हो गया हमारा एम हो गया, उसके बाद ई, ए का कोड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया प्यार दोस्त। उसके बाद लिखा डी ई आर, डी हमारे पहले विकल्प में लिखा है, तो डी का कोड हमारा क्या हो गया दोस्तों ओ हो गया, और इसके बाद क्या लिखा दोस्तों ई, ई का कोड हम पहले ही लिख चुके हैं, हमारा क्या हो गया एम हो गया, और लास्ट बच्चा आर, आर का कोड हमें डियर से मिल गया, क्या हो गया हमारा एन। तो प्यारे दोस्तों देखिए इस प्रकार हमारा कौन सा विकल्प दे रखा है, एक्स एम के ओ एम एन, तो आप देखोगे तो विकल्प 20% का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि भी 5 संख्याओं का औसत 120 है, एक संख्या अलग कर दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत हमारा 130 हो जाता है, तो अलग की गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, 5 का औसत 13 का है तो उसके पूरा योग ज्ञात कर लीजिए, 4 का योग ज्ञात कर लीजिए और इसमें से अंतर ज्ञात कर लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो करते 5 का औसत 120, तो कुल योग कितना हो जाएगा 5 × 120 यानी कि हमारे पास हो गया 600, 4 का योग 130 13 का है तो कुल योग हो जाएगा 4 × 130, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 13 × 4 = 26 × 52 हो गया। इस प्रकार हमारे पास आगे चारों संख्याओं का योग आ गया दोस्तों, हमें ज्ञात करना है अलग की गई संख्या, तो अलग की गई संख्या ज्ञात कर लेंगे, 600 में से घटा देंगे 520 यानी कि 80% का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दिशा परीक्षण पर आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों दिशा परीक्षण पर आधारित है तो हमें दिशा बना लेनी होती, ये हमने बना ली दिशा। क्या लिखा सबसे पहले, मोहन का घर मनीष के घर से दक्षिण दिशा में, तो मान लो भी यहाँ पे मनीष हो गया, और मोहन का घर मनीष का दक्षिण में, तो ये हमारा किसका घर हो गया दोस्तों, मोहन का घर हो गया। और क्या लिखा है, सोनू का घर मनीष के घर के पूर्व में, तो हम यहाँ पे लिख दे भाई सोनू, ये हो गया मनीष के पूर्व में। हमें पूछा है मोहन का घर सोनू के घर के सापेक्ष किस दिशा में, तो दोस्तों हमें इस प्रकार दिशा वापस बना लेनी है। हमें बताना कि मोहन का घर सोनू की अपेक्षा किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, ये होगी पश्चिम दिशा, और यहाँ पर होगी दक्षिण, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई दक्षिणी पश्चिम, यानी कि विकल्प डी प्रश्न का आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा 9वां प्रश्न लिखा, वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 800 रुपये कितने वर्ष में 842 हो जाएगी। हमारे पास 4 विकल्प है, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष दोस्तों। हमें बताना चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको कैसे हल करेंगे, पहला तरीका हो गया हम चक्रवर्ती ब्याज सॉरी मिश्र दर ज्ञात करने का फॉर्मूला अप्लाई कर लें।
मिस्टर देन ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल वन प्लस दर बट्टा सो, घात में हमारा क्या होता है समय होता है। इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का हल हम इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। हमारे पास देखिए दोस्तों, अमाउंट हमारे पास दे रखा है 882, बट्टा हो गया हमारा 800 बराबर, इस पी को हमने बट्टे में भेज दिया। इधर हम कर लेंगे 1 + r, r की जगह हमारा कितना है 5, तो दोस्तों 1 + 5/100 का मान हमारे पास कितना होता है दोस्तों, ये हमारे पास होता है 105/100, घात में हमारे क्या हो गया टी हो गया दोस्तों। अब प्यार दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि भी बट्टे में दोनों तरफ समान राशि आ जाए, तो हम जहाँ पे हल हो रहा था हम हल कर लेते हैं। तो किस प्रकार हल करेंगे, 105/100 को हम लिख देंगे 21/20 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी हमें 21/20 यानी हमें हर को देखना है कि हर को हम किस प्रकार 20 बना सकते हैं, या फिर 20 के वर्ग या फिर वर्ग उसका क्यूब बनाना है। तो 20 का हम क्यूब बनाएंगे तो 8000 हो जाएगा, तो बड़ी राशि हो जाएगी, तो हम कोशिश करें इसका वर्ग बना दें। तो 800 में किसका भाग दें कि हमारे पास 20 का वर्ग यानी कि 400 आ जाए। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम भाग दे रहे किसका, 2 का भाग दे रहे, तो हमारे पास हो जाएगा 400/841 हो गया दोस्तों। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 21/20, 21 हो गया हमारा 441 का वर्गमूल और 20 हो गया 400 का वर्गमूल, घात हम क्या करेंगे 2, बराबर हमारे पास हो गया 21/20 की घात हो गया टी। तो इसका मतलब दोस्तों पता चल गया टी का मान हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया विकल्प सी। या फिर इस प्रकार के प्रश्नों को हम एक और तरीके से करते हैं, कैसे करते भाई, 800 रुपये, 800 का हम ज्ञात करते हैं 5%, पहले 1 साल मान लेते हैं फिर 2 साल, तो 800 का 5% का मान, तो प्यार दोस्तों हम जानते हैं कि 10% का मान 80, तो 5% का मान हमारे पास हो गया 40। पहले साल 40 रुपये ब्याज मिला, अगले साल भी कम से कम मूलधन पर ब्याज 40 रुपये मिल जाएगा, और चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लगता है दोस्तों। तो 40 का हम ज्ञात करेंगे 5%, तो दोस्तों कितना आएगा, 10% का मान 4 हो गया, तो 5% का मान कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, हमारे पास 40 + 40 = 80, 80 + 2 हमारा हो गया 82, तो हमारे पास 82 रुपये ब्याज आ रहा है, यहाँ पर 82 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी कि समय इसमें 2 वर्ष काम लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है, इस तरह उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है, तो उसकी 11वीं पारी के बाद औसत क्या था, यानी 12वीं पारी के से पहले कितना औसत था। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर समझिए कि 60 रन बनाने के बाद उसका औसत कितना बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया, तो हम क्या करते भाई, 12 × 2 यानी कि ये रन बाहर निकाल दे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11वीं पारी का औसत आ जाएगा 60 रन में से। तो देखिए दोस्तों कितने रन बनाए, इस प्रकार इसने 24 रन अतिरिक्त बनाए 11वीं पारी के औसत से। तो हम 11वीं पारी का औसत ज्ञात कर लेते, 60 - 24, 60 - 24 करने पर हमारे पास बच गया 6, और 5 में से 2 गया हमारे पास बच गया 3, तो इसका औसत कितना आ गया, 36 था 11वीं पारी के बाद में औसत। दोस्तों अब आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा 11वां प्रश्न हमारे पास सीरीज दे रखी है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। तो हम क्या कर लेते दोस्तों, कोडिंग करते हैं। सबसे पहले डी हमारा आता है 4 पर, एफ हमारा कितने पर आ गया दोस्तों, हम अगले लेटर में ले रहे हैं, एफ हमारा आता है 6 पर, एच हमारा 8 पर, और जे हमारा आता है 10 पर। इस प्रकार हमारा अगला अक्षर क्या आएगा, 12, 12 पर हमारा क्या आता है दोस्तों, एल आता है। अब सेकेंड लेटर की बात करें, सेकेंड लेटर में के हमारा 11 पर, जे 10 पर, आई हमारा 9 पर, एच हमारा 8 पर, तो यानी यहाँ पर आएगा 7 नंबर, 7 नंबर पर हमारा आता है जी। तो देखिए दोस्तों एल जी केवल विकल्प ए में मिल रहा है, तो इसको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें चारों विकल्पों में से बताना। तो दोस्तों हम पहले ज्ञात कर लेते हैं क्रम मूल्य, ज्ञात कर लेते हैं 100 का मूल्य कितना है 400, तो एक का मूल्य हम ज्ञात करते हैं 400/100 यानी कि प्रत्येक संतरा 4 रुपये में खरीदा गया, और बेचा कितने में वो हम ज्ञात कर लेते हैं कि 60 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 60 रुपये में 12 बेचे, तो एक कितने में बेचा दोस्तों, 5 में बेचा। ये हमारे पास हो गया क्रम मूल्य, ये हमारे पास हो गया विक्रम मूल्य। हमें ज्ञात करना है लाभ हो रहा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, लाभ कितना हुआ दोस्तों, 1 का हुआ, किस पर हुआ, क्रम मूल्य पर, 4 पर, 100।
तो देखिए दोस्तों, चार का भाग 100 में कितनी बार गया हमारा? 25 बार गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प बी, 25% लाभ हुआ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग और मैथ दोनों में सम्मिलित रूप से आ गया। लिखा अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने के प्रतिशत कितना है? तो देखिए दोस्तों, हमें पहला पता लगाना अर्थमेटिक कुल कितने लेटर है। तो हम पता लगाते हैं ए आ रहे हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि कुल लेटर हमारे कितने दोस्तों? 10 है। 10 में से देखिए दोस्तों आई कितनी बार आ रखा? आई हमारा एक बार और दो बार आ रखा, यानी कि 10 में से दो बार आई आ रखा है। तो हमें बताना है कि 2 10 का कितना प्रतिशत है। तो हम इसको 100 से गुणा कर लेते दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया। इस प्रकार हमारे पास आ गया 20% विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा प्रश्न क्या लिखा, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला हमारे पास इस प्रकार दे रखी है। दोस्तों हम श्रृंखला को वापस बड़ा लिख देते हैं। श्रृंखला हमारे पास इस प्रकार है, बी सी उसके बाद डैश है, उसके बाद लिखा बी सी ए, फिर डैश है, फिर लिखा सी ए बी, फिर हमारा डैश है, लिखा ए बी, फिर से डैश है हमारा, फिर लिखा ए, फिर से हमारा डैश है, उसके बाद लिखा दोस्तों सी ए लिखा। इस प्रकार हमारी सीरीज बन गई। दोस्तों हमें काउंट करना है कि इस सीरीज में कुल कितने लेटर है। हमें हर बार इस ऐसे सीरीज आए तो ऐसा ही करना, लेटर काउंट करना है। तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें इसको बराबर टुकड़ों में तोड़ देना, या तो देखिए 3 में तोड़ी या फिर 6 में तोड़ी। हम पहले 6 में तोड़ के इसको हल करने का प्रयास करें। तो 6 लेटर काउंट कीजिए, ये हमारे हो गए 6 लेटर। 3 लाइन के बाद ये फिर से हो गए 6 लेटर और हमारे बच गए 6 लेटर। अब दोस्तों हमें देखना है इसमें कौन सा अक्षर हमारा आएंगे। तो हम बात करें पहले से, पहले में लिखा बी सी, तो मतलब सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा जगह हमारा बी आ जाएगा दोस्तों। बी के बाद में सी आ रहा है, तो यहाँ पे बी के बाद में आ गया सी। सी के बाद देखिए यहाँ पे भी ए आया, यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो हमारी सीरीज क्या बन रही है दोस्तों, बी सी ए बी सी ए, यहाँ पे भी बी सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी ए, यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बी सी ए। तो दोस्तों देखिए लेटर कौन कौन सा है, ए, ए के बाद आया बी, बी के बाद आया सी, सी के बाद आया सी, और सी के बाद फिर से हमारा क्या आ गया बी। तो ऐसा किस सीरीज में दे रखा है, कौन सा विकल्प हो गया हमारा विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15% लिखा हुआ है, 2 मीटर भुजा वाले गन बॉक्स में 5 सेमी भुजा वाले कितने गन रखे जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जब भी प्रश्न है तो हमें क्या करना है, बड़े गन का आयतन बट्टा छोटे गन का आयतन। कई बार आता है कमरे में वस्तु रख रहे हैं या फिर किसी भी जगह में कुछ वस्तु रख रहे हैं, तो हमें क्या करना, बड़ी वाली वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वाली वस्तु का आयतन। लेकिन इसमें दोस्तों ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे इकाई हमारी समान होनी चाहिए, यहाँ पे मीटर में दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि दोस्तों 1 मीटर में होता है हमारे 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर हमारे हो गए दोस्तों 200 सेंटीमीटर हो गए। तो दोस्तों अब हम ज्ञात करेंगे बड़े गन का आयतन। बड़े गन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो करेंगे 200 × 200 × 200 बट्टा क्या करेंगे छोटे गन का आयतन, यानी 5 × 5 × 5 हो गया दोस्तों। अब भाग दीजिए दोस्तों, 5 का भाग 200 में कितनी बार गया दोस्तों, 40 बार गया। 5 का भाग 200 में कितनी बार गया, 40 बार गया। 5 का भाग 200 में कितनी बार गया, 40 बार गया। अब हमें यहाँ पे इन तीनों का गुणा कर लेना, 40 × 40 × 40, 4 × 4 × 4 हमारा होता 64 और 3 0 का 3 0, यानी कि इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न अभी हमने कर लिया, फिर से रिपीट हो गया, तो हम वापस इसको हल नहीं करेंगे। इसके लिए माफी चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहते कि ये मेरे दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताइए कि सीता का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए हमारे पास ये होगी सीता। सीता कहते हैं अभी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मेरी दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो ये देखिए सीता का पिता हो गया और ये हमारी क्या होगी, सीता की दादी होगी। तो देखिए दादी के पुत्र का इकलौता पुत्र, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, सीता का भाई हो जाएगा। हमें पूछा है सीता उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, तो सीता तस्वीर वाले व्यक्ति के क्या लगेगी दोस्तों, बहन लगेगी। विकल्प है इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। 18 प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, लिखा है
2500 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट 2200 रुपये मिल रही, तो छूट कितने दी? तो आसान प्रश्न हो गया दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना, पहले छूट कितनी मिली ज्ञात करना, 2500 माइनस 2200 तो हमारा बच जाएगा दोस्तों 300 बच जाएगा। 300 रुपये की छूट मिल रही किस पर दोस्तों? 2500 पर मिल रही है। इंटू 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो दोस्तों 300 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? हम पहले भाग देंगे एक बार, सेंस बच गया हमारा 5 जीरो 50 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार, यानी कि 12% की छूट दी गई दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। तो चारों आकृति को गौर से देखिए तो हम पता चल रहा भी बाहर 5 है, अंदर 4 भुजा है, बाहर 3 भुजा वाली है, अंदर 4 भुजा है, बाहर 4 भुजा है, अंदर 3 भुजा है, यहाँ पर बाहर 6 भुजा है, अंदर 5 भुजा है दोस्तों। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? सब में देखिए बाहर ज़्यादा भुजा वाली आकृति है, अंदर कम भुजा वाली आकृति है, लेकिन विकल्प बी में ऐसा नहीं दे रखा है। तो बेमेल आकृति कौन सी होगी दोस्तों? हमारे विकल्प बी होगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वो आरेख पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। गोरैया, पक्षी और बिल्ली। यार दोस्तों हम जानते कि गोरैया क्या होता है? पक्षी होता है, और बिल्ली हमारा क्या होता है दोस्तों? अलग होता है। तो हमारा बिल्ली तो हो गया अलग। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जाएगा पक्षी, पक्षी में आ जाएगा गोरैया, और ये हमारे क्या हो गए? बिल्ली। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी आकृति है। अब हम विकल्पों को बताते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प अभी हमने बताया जैसा है, यह रहा दोस्तों, ये हमारा हो गया बाहर पक्षी, ये हमारे बीच में क्या हो गया दोस्तों? गोरैया हो गया, ये हमारे साइड में क्या हो गया दोस्तों? बिल्ली होगी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यार दोस्तों 2100 प्रश्न में आकृति एक्स का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब यानी नीचे के साइड हमारे क्या होगा दोस्तों? दर्पण। हम यहाँ पर जल प्रतिबिंब बनाकर आपको समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों क्या होगा, बीच में सीधी लाइन है, जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो, सीधी लाइन तो हमारी सीधी लाइन ही आएगी। और क्या ध्यान रखना दोस्तों, ये वह लाइन तिरछी है तो दर्पण प्रतिबिंब में सॉरी जल प्रतिबिंब में इस प्रकार आएगी। तो हम बना लेते हैं इस प्रकार। और दोस्तों क्या होता, यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे वाले भाग में कुछ ब्लैक ब्लैक देर का धुंधला सा, तो इस प्रकार यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। और दोस्तों क्या, यहाँ पे लाइन है इसी रूप में इस लाइन के समांतर आ रही है, तो हम बना लेते हैं इस लाइन के समांतर। तो प्यारे दोस्तों पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा केवल एक विकल्प में मिल रहा है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आकृति एक्स किस अन्य आकृति में निहित थे? तो प्यार दोस्तों हम आकृति एक्स को समझने का प्रयास करें। तो अब आप देख रहे स्क्रीन पर हमारी आकृति एक्स और उत्तर आकृतियाँ साथ में देख रही। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार की आकृति केवल विकल्प डी में दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हमारी लाइन हो गई, ऊपर वाली लाइन हो गई, और यहाँ पे दोनों क्रॉस लाइन है, और ऐसा किसी विकल्प में नहीं दे रखा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प डी हो गया दोस्तों। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जीके का लिखा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तुम्हारे क्या थे भाई? राष्ट्रपति थे प्रथम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तुम्हारे गृह मंत्री थे। और श्री राजगोपालाचारी इनको बनाया गया था भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया स्वतंत्र भारत का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया दोस्तों? विकल्प सी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा साइंस का है दोस्तों, लिखा है अश्रु गैस कौन सी है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों अश्रु गैस कई बार जनरल प्रयोग में होती है, कई बार हड़ताल को तोड़ने में, किसी आंदोलन को तोड़ने के लिए हम कई बार अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं। अश्रु गैस में क्लोरीन गैस पाई जाती है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आगे दोस्तों, पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी इस प्रकार का एक प्रश्न दिया था जिसमें इकाई पूछी थी। तो पास्कल होती है इकाई किसकी दोस्तों? दाब की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आप देख पा रहे दोस्तों, कुत्ते के काटने का इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? जेर्नर ने, रॉबर्ट कोच ने, विलियम हार्वे ने या फिर लुई पाश्चर। देखिए दोस्तों साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ये भी है, किसने की भी खोज? लुई पाश्चर ने की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ गया करंट अफेयर का, लिखा हुआ है भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा।
दोस्तों देखिए, इंद्र युद्धाभास का प्रारंभ 2005 से स्टार्ट किया गया, और दोस्तों 2017 के बाद से प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार भारत की तीनों सेनाएं भाग लेती है। तुम्हें बताना भी कौन से देश के साथ है ऐसा? हमारा रूस के साथ युद्धाभ्यास स्टार्ट हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण या फिर विनोदा भावे? तो दोस्तों सीमांत गांधी हमारा हो गया अब्दुल गफ्फार खान, विकल्प बी इस प्रश्न का आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, दोस्तों करंट जीके का आ गया फिर से। उस निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी तय रखेगा? यानी कि रूस चारों विकल्पों में से किस देश को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे? हमारे पास देखिए चार विकल्प है, भारत, जापान, चीन और पाकिस्तान। देखिए इस प्रश्न का आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान को रूस है ना आर्म सप्लाई नहीं करता है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प डी, करंट जीके का प्रश्न था। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप सेना में जाने का प्रयास करें तो आपको पता होना चाहिए भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर अर्जुन पुरस्कार? तो दोस्तों हमारा महावीर चक्र और परमवीर चक्र दोनों ही क्या है? वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार है, और दोनों में से सर्वोच्च पुरस्कार हमारा कौन सा है? परमवीर चक्र है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, अच्छे प्रदर्शन के लिए। प्यार दोस्तों आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पेपर में एक नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।